નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. લોકમંચ આજે એક વિશેષ એપિસોડ, કારણ કે આજે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ભારતમાં જેટલી લોકસભાની ચૂંટણી થઈ રહી છે અલગ અલગ સીટ ઉપર, એની અંદર જે હાઈ પ્રોફાઇલ સીટ કહેવાય છે એમાંની એક સીટ એટલે હૈદરાબાદની સીટ. અને હૈદરાબાદની સીટ ઉપર વર્ષોથી 1984થી જે સતત ઓવેસી ફેમિલીનું રાજ હતું એને અત્યારે ટક્કર આપવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર માધવી લતાજીએ જ્યારે એમનું નામ ડિક્લેર થયું ત્યારથી જ એક અલગ જ ચર્ચા ચાલુ થઈ ગઈ અને એક પ્રિડિક્શન પણ થવા માંડ્યું કે આ વખતે હૈદરાબાદની ચૂંટણી છે એ વન સાઈડ નહીં હોય, કારણ કે માધવી લતાજી પોતે આ વખતે ઓવેસીની સામે ઊભા છે. આ જ વાત કરવા માટે શું છે ત્યાં ગ્રાઉન્ડની હકીકત, કઈ રીતે છે માધવી લતાજીનો પ્રચારની સિસ્ટમ, એ ચર્ચા કરવા માટે અમારી સાથે રૂબરૂ જોડાયા છે હૈદરાબાદથી માધવી લતાજી. માધવી લતાજી, આપકા સ્વાગત હૈ. નમસ્કાર ઓર મેરે સારે ગુજરાતી ભાઈઓ બહેનો કો ઘણો પ્રેમ. ઓકે માધવીજી, સબસે પહેલે તો મેં પૂછના ચાહુંગા કે પહેલા હી જબ લિસ્ટ બહાર નિકલા ભારતીય જનતા પાર્ટી કા 195 સીટ્સ કા, ઉસમે સે સબ નામ લોગ દેખતે થે, હમ લોગોને ભી બ્રેકિંગ કિયે થે બહોત સારા, હમકો ભી મતલબ અંદર સે થા કે કિસકા નામ આયેગા કિસકા નહીં, સબકા નામ, લેકિન જો સબસે જ્યાદા સરપ્રાઇઝ હુઆ વો આપકા નામ દેખકર, ઓર ઉસસે ભી જ્યાદા ઇન્ટરેસ્ટિંગ તબ હુઆ જબ આપકા નામ ડિક્લેર હુઆ તો તુરંત હી આપકા પહેલા સ્ટેટમેન્ટ થા ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતા. યે દોનો કે બારે મે બાત મે સુનના ચાહુંગા, ક્યા પહેલે સે અંદેશા થા આપકો, આપકો બતાયા ગયા થા ભારતીય જનતા પાર્ટી ને 6 મહિને પહેલે સે આપ કુછ પ્રિપરેશન કર રહે થે કે અચાનક હી આપકા નામ ડિક્લેર હુઆ, ઓર યે સ્ટેટમેન્ટ ભી આપને પહેલે સે ડિસાઈડ કરકે રખા થા કે નામ ડિક્લેર હોગા, પહેલા સ્ટેટમેન્ટ મેરા યહી હોગા, ક્યા થા બતાઈએ જરા માધવીજી. वैसे तो हमने सारी जिंदगी कभी कुछ प्रिपेयर करके नहीं किया है भैया, क्योंकि दिल से जब किसी को प्यार करते हैं या समाज सेवा करते हैं तो समाज सेवा लोग प्रिपेयर करके समाज सेवा नहीं कर पाते, अगर कर ऐसा कुछ होता है तो शायद एक दो तीन महीना करके छोड़ देते हैं. तो लोगों को अपने देश को दिल से जो प्यार करने वाले रहते हैं ना, उनके पास कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, उनकी कैरेक्टर ही ऐसी होती है, उनके व्यक्तित्व ही ऐसी कुछ होती है. ऐसी हूँ मैं भी, धर्मो रक्षति रक्षिता, हाँ इसलिए मैंने कहा है कि जो इंसान धर्म का रास्ता पकड़ के निकलता है वो कांटों का रास्ता रहता है, वो इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन उसको अगर कोई मानकर यकीन कर उसके ऊपर निकलते पड़े तो एक ऐसा भी दिन आएगा जब धर्म स्वयं उसका रक्षा करेगा. ये मैं बचपन से मानती आई, इसलिए इसके बारे में कुछ खास सीखने की जरूरत भी नहीं है या प्रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं है, ये दिल और जान से मैं मानती हूँ. 2018 में जब बीजेपी के कैंडिडेट थे वो फोर्थ प्लेस पे आए थे, फोर्थ प्लेस पे थे. ओवरऑल देखा जाए तो बात भी ये आती है कि हैदराबाद की जो सीट है उसमें 7 विधानसभा की सीट और 7 में से सिर्फ एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, तो इतने सारे जो मतदार है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं उसमें आपका लड़ना, हौसला इतना ही रखना, नहीं बल्कि अपना खुद का नहीं लेकिन कार्यकर्ताओं का हौसला और बढ़ाना, ये दिक्कत वाली बात तो होती होगी. हाँ भैया, ये जरूर इसके पहले दिक्कत वाली बात है, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज तक का हिम्मत नहीं हुआ असदुद्दीन जी के कार्यकर्ता से बाहर निकालने के लिए. प्रकार से वो बार 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 बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेकर बैठे हैं, तो सारा देश तो जानता नहीं कि वो खुद के लोकसभा पार्लियामेंट में मस्जिदें तोड़वाते हैं. ये किसका हिम्मत था बाहर बोलने के लिए? हम तो ना किसी से डरे भाई, हमारा जीवन देने वाला ईश्वर है, लेने वाला भी ईश्वर है, अभी बीच में कौन है ये इंसान हमको डराने वाले है? तो हम लेके आए सच्चाई बाहर. जब खुद के लोकसभा पार्लियामेंट में मस्जिदें तोड़ रहे थे, सचिवालय बनाने के, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, प्राइवेट बिल्डरों के लिए मस्जिद तोड़कर उनके लिए ये वक्फ बोर्ड के लैंड जा रहे थे, अब तो चुपचाप बैठे. क्यों बैठे? क्या माल, क्या मतलब था इस साइलेंस का, इस खामोशी का? तो कुछ तो होगा ना, तो क्यों बैठे अब खामोश? अब उस मस्जिद के बारे में बात करते हो
जो इस भारती ने नहीं बनाया वही मुगल ने बनाया, बाबर ने बनाया। क्या लगता है बाबर आपका, क्या लगते हैं मुगल आपके, तो इतने तड़प रहे आप। जिस मंदिर को तोड़कर वो लोग मस्जिद बना रहे बाबर, उस अपने मंदिर को बनाने के लिए यहाँ से करसेवक जाते हैं और आप उस मस्जिद के बारे में बात करते हो, लेकिन अपने ही गढ़ में दो दो मस्जिदें। आप यहाँ के मुख्यमंत्री केसीआर के साथ जुड़कर तुड़वाते हो और चुपचाप इसका बाहर भी निकलने नहीं देते हो बात। जब ये बात हम बाहर ला रहे हैं और सारे मुसलमान भाई बहनों को अपने कौम को हम समझा रहे हैं, आवाम को, भैया खुद के गढ़ में इतने तोड़े जा रहे हैं इसके बारे में तो आपको ज्ञात नहीं है, तो ये बंदा सबके आंखों पर पट्टी बांध कर किसी और मस्जिद के बारे में बात कर रहा है, जहां पर हिंदुओं का अपना खुद का जो मजक्का है, जो हिंदुत्व की बात को ठोस पहुंच रहे हैं। आप वहां जो मस्जिद बना, जो इस देशवासी ने नहीं बनाया। साहब हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में कितनी ऐसे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज हैं, दरगाहें हैं, जो तुड़वा कर या वक्फ बोर्ड के अंदर तो मुसलमान के शमशान भी आते हैं, तो ये भी तुड़वा कर ये लोग इतने सारे लोगों को, प्राइवेट बिल्डर्स लोगों को बेच डाले हैं सारे। आप यकीन नहीं करते, पूरा 17,000 एकड़ का लैंड है सिर्फ हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड का। आप यकीन नहीं करते, उसके अंदर तकरीबन 15,000 एकड़ ही लोग खत्म कर दिए, बचा नहीं हुआ। माधवी जी, यहाँ पे बात ये आती है और सवाल भी ये उठता है कि आपने जो बात बताई ये शायद पहली बार तो नहीं है, तो ऐसा क्या रीजन है कि 1984 से, तो क्या आपसे पहले जो भी कैंडिडेट आते थे ओवैसी के खिलाफ खड़े होते थे, उनके फैमिली के मेंबर्स जो भी चुनाव जीत के आए उनके खिलाफ भी, तो क्या उन्होंने ये बात नहीं उठाई? और अगर उठाई भी होगी तो वहां के जो वोटर्स है वो क्यों एक ही फैमिली को कंटिन्यू बरसों से वोट करते हैं? या मुद्दा ये है कि आप जिस 1984 के बात करते रहे हैं, जी आपकी लोग भाजपा से जो उम्मीदवार ठहरते थे उनको मस्जिद की लड़ाई में मशरूफ रखते थे ये लोग, यानी कि किसी हिंदू को लड़ाई कर लेना, उसको मार डालना, इसके चलते लोग जाना, ये हम लोग दंगा फसाद करना, तो भाजपा के लीडर्स को इनको अपने लोगों को बचाने में ही लग जाते थे। और ऊपर से देखिए 1984 में इतना मीडिया प्रेजेंस कहाँ थी बताइए तो सही। आप अभी तो ऐसे चुटकी करी है तो सारी जगह पता चलती है, इसके बावजूद भी एएमआई मतदुद्दीन ऐसे कितनी सच पूरा देश जानने से रोक सका, तो इमेजिन करिए आप। एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको, ज्यादा बड़ा भी जी नहीं है। जब कविता के ऊपर ईडी रेड हुआ, पूरा दुनिया पता था ईडी रेड हुआ है, यानी सारे जर्नलिस्ट आए हुए थे, सारे मीडिया जी में उछाला गया बात, यही ईडी रेड शाहनवाज, पलकनुमा शाहनवाज है उसका नाम, जो किंग्स ग्रुप के ओनर है, जो इतने सारे फंक्शनल ये वो क्या क्या नहीं वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज के ऊपर बनाया, यही शाहनवाज का गाड़ी, खुद का गाड़ी बोलकर असदुद्दीन, इलेक्शन कमीशन के अंदर कितने गाड़ियां हैं उसके ऊपर असदुद्दीन का आप खुद का गाड़ी बोलकर लिख लिया है। आप उसका आके निकले तो वहां पे शाहनवाज का किंग्स ग्रुप का ओनरशिप है उस गाड़ी के ऊपर। लेकिन उनके ओवैसी के पास तो कुछ नहीं है ना, आपने देखा तो सही उनका जो एफिडेविट है उसमें सिर्फ 23.87 करोड़ उनके पास कार है नहीं, हाँ तो तो ये फिर ये कहीं प्लीज सके, हमारे घर वही से, तो हमारे घर से उनका एफिडेविट बदल गया जी था 2023 का, जब उन्होंने फाइल करे उसमें तो पिस्तल भी फाइल करे, तब हम नहीं थे ना। अब तो हम नीचे से उनके सारी सच्चाई बाहर निकाल के आग लगा दी है ना, अभी अभी एफिडेविट बदल जाएगा ना भैया, तो जरा अपने आप को काबू में रखकर बनाना पड़ता ना, ऐसे तालार के जैसे नहीं दे सकते ना। थोड़ा ये बात चलो पॉलिटिक्स की तो करते हैं, लेकिन 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 एक बात और, क्योंकि मुझे भी और हमारे जो बाकी व्यूअर्स हैं उनको भी जानना है कि क्या माधवी जी पहले से इसी नेचर के हैं, क्योंकि जिस तरह से कला अच्छा जिस तरह से
कला में आपने ये किया, अपनी स्टडी भी की, मास्टर किया आप जिस तरह से, तो क्या पहले से माधवी जी इसी नेचर के फाइटिंग स्पिरिट वाले हैं कि हाँ बाद में भैया, बदलाव कुछ कुछ हुआ जिससे माधवी जी का रूप कुछ बदल गया, क्या है क्या बताइए माधवी जी। भैया जी, आप हमारे इंटरमीडिएट के कॉलेज स्टूडेंट से पूछिए, अगर कोई लड़का कुछ गलत बात करता है या कुछ करता तो 2 छाटे निकाल के देती थी, गाल पे देती थी, उसको कान के नीचे से देती थी। डरते थे लोग जिस बस पे मैं चढ़ती थी, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा कुछ हरकतें करने से बहुत डरते थे। अरे अरे, हम बचपन से ऐसी हैं, हम कभी भी नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और खास करके औरत को कमजोर समझे या औरत के ऊपर कुछ ऐसा बात करना या गलत व्यवहार करना, हम खुद पे भी नहीं, किसी भी औरत के ऊपर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बचपन से ऐसी हैं। इतना क्यों भैया, जब हम एनसीसी में दाखिला लिए थे, दिल्ली गए थे हम आर्डी परेड, वहां पे कुछ बच्चे हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार करने की कोशिश करे तो वहां पे भी तो ऐसे चाटा दिए हम लोग, मैं खुद। ये हम किसी से डरने वाले नहीं, मिजाज के नहीं है। हाँ, ऐसी बात है कि शायद पूरा देश को हम पहली बार परिचित हो रहे हैं तो लोगों को जरा चौंक जा रहे हैं कि अरे क्या इतनी हिम्मत एक औरत में हो सकती है, लेकिन बचपन। तो माधवी जी यही हम मान ले कि ये डरने वाला नेचर नहीं था, इसीलिए माधवी जी ने वो तीर उठा के अपनी रैली के दरमियान कर दिया था निशान। भैया, ये डर की बात नहीं है या डर ना होने की बात नहीं है, वो श्री राम नवमी का उत्सव में, महोत्सव में एक एक ऐसा जोश भरा, एक रामचंद्र जी का अमन और शांति का तीर था जो हम आकाश में चला रहे थे। हाँ, ये किसी को छुबा है वो अलग बात है, लेकिन वो तो त्योहार का महोत्सव था। जैसे हम दिवाली पे क्या हम क्रैकर्स नहीं जलाते हैं, तो वैसे ही रामचंद्र जी के श्री राम नवमी के दिन रामबाणी तो चलाएंगे। बार बाण चलाया लेकिन उसका निशाना कहीं और था, ऐसा आपके जो भी खिलाफ खड़े उन लोगों का कहना था कि आपने बिल्कुल सोच समझ के निशाना कहीं और लगाया था, ये भी आपके ऊपर, और इसी वजह से शायद FIR भी आपके सामने हो गई। भैया, इसमें दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो ये है, यहाँ जो तीर था नहीं, जो धनुष था नहीं, वो चल गया, और उस तीर को मस्जिद तरफ लेके जाने वाला मोबाइल था, हम नहीं थे। और अगर मोबाइल तीर को लेके जाना चाहता है तो सिर्फ वहां के बाजू के बगल के मस्जिद में क्या, वो कितनी भी दूर पर चांद पे भी लेके जा सकता है ना। अभी मैं ऐसे मोबाइल को चांद की तरफ दिखाऊंगी तो तीर चांद की तरफ चले जाएगा। अगर वो वही मोबाइल मोबाइल में भाई मेरे बाजू ठहरा हुआ असदुद्दीन के घर की तरफ दिखाया था तो तीर असदुद्दीन घर की तरफ चले जाएगा। अभी मोबाइल वाले का मर्जी, वो मोबाइल किस दिशा में लेके जाना चाह रहा है। तीर तो हम आकाश में चला रहे थे, हम थोड़ी क्यों मस्जिद में चलाएंगे। लेकिन उन मस्जिदों का क्या, उन तीरों का क्या जो असदुद्दीन खुद के पार्लियामेंट, लोकसभा पार्लियामेंट में तुड़वा दिया है, ये थोड़ी बोलेगा। और दूसरी बात, एक बैरिस्टर होकर उन्होंने खुद के इतने सालों के, 40 सालों के एक मैनिफेस्टो नहीं निकाल सकता, उनकी सोच विचार तो इतनी छोटी सी हो गई कि तीर को पकड़कर वोट मांग रहे। भैया, अब देखो, एक बैरिस्टर साहब तीर को पकड़कर वोट मांग रहे, तरक्की की बात करके वोट नहीं मांग रहे ये लोग। ऐसे सोच विचार वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे लेके जाना तो दूर की बात है, इसको पीछे तक लेके चले जा सकते हैं, इतिहास में पीछे लेके चले जा सकते हैं लोग, इतने माहिर हैं। माधवी जी, हाँ जी, आप अपने अपने प्रचार में जिस तरह से बट ऑब्वियस है धर्मो रक्षति रक्षिता, जिस तरह से आपने पहले दिन जो स्टेटमेंट दे दिया था, एक हिंदूवादी विचारसरणी आपकी है, वो भी आप ओपनली कहते हो कि हाँ मैं हिंदू विचार बिल्कुल रखती हूँ, उसी को फॉलो भी करती हाँ जी, हूँ। प्रचार के दरमियान मेरा सवाल यह है, प्रचार के दरमियान आप ट्रिपल तलाक की बात निकालकर मुस्लिम महिलाओं को आप जागृत करते हो, उनको हाँ जी, बताते हो कि ये सरकार ने, मोदी की सरकार ने आपका जो हक था वो ट्रिपल तलाक को हटाया और आपको बहुत सारी ऐसी आजादी दे दी, या तो कहीं आप दबे हुए थे उसको आपने फायदा पहुंचाया।
आप मदरसा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फूड क्वालिटी के बारे में भी आपने इश्यू उठाए। हाँ आपने जी वहां पे जो मुस्लिम चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, उनके चाइल्ड लेबर के लिए भी आपने मुद्दे उठाए। हाँ जी यानी यानी कि आप वहां पे बात करेंगे अपने हिंदू धर्म के कट्टर होने की, लेकिन लेकिन मुद्दों में आपको जाना पड़ेगा तो उन मुस्लिम मतदारों के बीच में ही और उनके इश्यू लेके ही ना। हाँ जी तो इससे हिंदुत्व का क्या दिक्कत है? हिंदू ये बोल क्या रहे हैं करते आपके हैं? आपके आपके विरोधी बोल रहे हैं ऐसा। अरे विरोधी विरोधी को कुछ है तो बात करने के लिए। विरोधी के पास दो ही मुद्दे हैं, एक मुद्दा है तीर के बारे में, दूसरा मुद्दा है बीफ काटने के बारे में। इससे तो अच्छा एक जाहिल है ना भैया, कम से कम बात करता रहे। अम्मा देखो यहाँ पे ड्रेनेज खराब है, यहाँ पे नाला से ड्रेनेज बाहर निकल रहा है, अम्मा मेरा रोड ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से जाहिल बेहतर है इनसे, जो पसमंदा बेहतर है इनसे। कम से कम इतना तो बोल पा रहा है कि यहाँ पे खंबा नहीं है अम्मा, लाइट नहीं है अम्मा, पानी नहीं है अम्मा, रोड साफ नहीं है अम्मा, नाला ठीक नहीं है अम्मा, गंदा पानी बाहर निकल रहा है अम्मा, हमको घर नहीं अम्मा, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे अम्मा, लड़कियों को नौकरी नहीं अम्मा, लड़कों को नौकरी नहीं है अम्मा। अरे वो ज्यादा मुद्दा समझते हैं असदुद्दीन से। इतने सारे तो बस ही फिर रहे हूँ, वही पसमंदा के घर से मुझे बीफ खाने का ख्वाहिश सुनाई नहीं दिया, किसी पसमंदा के घर से तीर का बात सुनाई नहीं दिया। ये तो सिर्फ बैरिस्टर साहब ही बात कर सकते, क्योंकि लंदन जाके पढ़ के आए ना, तो शायद मेरे हिसाब से जो लंदन जाके बड़े बड़े पढ़ाई करते हैं इनके जैसे, वो तीर के बारे में और बीफ के बारे में बात करते। तो लेकिन आम माधवी सा जी, हाँ इतने स्कॉलर है आपके हरीफी उम्मीदवार, और आप भी बोलने में इतने माहिर है, तो आप उनको बाजू में बिठा के, एक ही शहर में है तो उनको बिठा के समझाते क्यों नहीं हो आप? मेरे हिसाब से आप तो समझाने में इतने लाखों लोगों को समझा सकते हो, तो ये तो एक ही बंदा है और वो आपको बता रहे हो कि वो स्कॉलर है। मेरे हिसाब से आप अपनी भाषा में समझाओ तो वो समझ भी सकते कि ये। जी माधवी जी, अच्छा मैं आपको एक बताती हूँ भैया, मेरे हिसाब से मेरे बहुत सारे तेलंगाना भाई बहन भी वहां पे हैं। हमारे तेलुगु में एक कहावत है, मोक्कई वंगनिधि मानेई वंगुना। इसका मतलब है जो छोटा सा पौधा बनकर ना झुक सकता है, सीधा नहीं हो सकता है, एक महावृक्ष बनकर वो कहाँ सीधा होगा भाई। जब इनको सीधा बनना था तब ये सीधा नहीं बन पाए, अब कहाँ ये उम्र में हो सकते हैं। आप भी कितना बड़ा ख्वाहिश लेके बैठे हो मेरे गुजराती भाई, छोड़ो छोड़ो, इतने बड़े बड़े सपने मत देखा करो आप। चलो ठीक है, बहुत बड़े वृक्ष हो गए, ये काम करते 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 अब उनमें कोई बदलाव आप कतई ही मत सोचो, उम्मीद ही मत करो, आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। फिर बाद में मत बोलना माधवी दीदी हम बहुत मायूस हो गए। चलो माधवी दीदी, आपको एक सवाल ये भी पूछ लेते हैं हम। जिस तरह से चुनाव के प्रचार में आपने अलग अलग मुद्दे उठाए, बाकी अलग अलग जगह पे भी मुद्दे उठते हैं, लेकिन ये जो आया मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में सब लोग ये डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह से आपका वीडियो आई एम नॉट वुमन करके जो डाल दिया, क्या क्या सीधी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्योंकि मेरे हिसाब से आप जैसी जो अगर औरत है वो ये जब देखेगी या सुनेगी तो आग बबूला हो जाएगी। ये क्या था? आपको षड्यंत्र लग रहा है, क्या था ओरिजिनल घटना क्या है? गुजरात के लोगों को, हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज। ये मैंने कहाँ बताया आई एम नॉट ए वुमन। मेरे हिसाब से मैंने जब अस्मिता प्रकाश जी का इंटरव्यू किया था, मैंने कहा मैं सामान्य औरत नहीं हूं, मैं बुलडोजर हूँ। अगर सामने का उम्मीदवार ये समझता है मैं अबला हूँ, मैं एक सामान्य महिला हूँ, तो गलत फहमी कर रहे हैं। मैं शक्ति हूँ जो राहुल गांधी जी नहीं समझ पाते, वो अलग बात, उनकी डिक्शनरी में ना एक शक्ति का बात नहीं उनको समझ में आता बेचारे। मेरे लगता है उनका बचपना इटली में गुजारा होंगे तो ये नहीं समझ पाए। सो मैं एक शक्ति हूँ और शक्ति का सामना करना किसी बस की बात नहीं है जब तक वो धर्मबद्ध नहीं। तो ये कहा माधुरी जी, एक दूसरी आज भी एक घटना जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने किया, ये मुस्लिम अनामत की बात मुख्यमंत्री श्री ने कर दी वहां पे, रेड्डी साहब ने।
क्या कहे, क्या कहे तेरे रेवंत रेड्डी साहब ने? मुस्लिम मुस्लिम अनामत की रिजर्वेशन। हाँ तो अगर उनको पहली तो ये बात जानना चाहिए कि मुसलमान स्वयं ही एक माइनॉरिटी विंग है, तो माइनॉरिटी का ही एक पोजीशन है इस देश में कि माइनॉरिटियों को बहुत कुछ दिया गया है। जिस प्रकार से माइनॉरिटी है, तो एक मुसलमान माइनॉरिटी तो नहीं है यहाँ, सिख माइनॉरिटी भी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी भी है, जैन माइनॉरिटी भी है, और इसके अलावा हमारे पास दलित भी है, SC ST भी है, उसके अंदर महिला भी है। तो ये जो रेवंत रेड्डी साहब है, इनको अभी असदुद्दीन से 16 सीटों की उम्मीद है, यानी तीन तो इन्हों उम्मीदवार ठहरा चुके हैं AMIM वाले, एक बाकी के 13 सीटों के इनको उम्मीद है लेने का इनसे। इसीलिए जो मुंह में आए भक्ति रहते हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते रहते। आप कौन से रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं जब यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप मुस्लिमों को बचाने के लिए खुद कांग्रेस से एक तगड़ा उम्मीदवार को नहीं ठहराया, तो किस मुसलमान को बचाने की बात कर रहे हैं? 10 साल उनसे यहाँ पर रेशन कार्ड तक नहीं दिया गया है, और हम सब जानते हैं कितना प्रतिशत यहाँ पर पसमंदा मुस्लिम रहते हैं हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में, तकरीब 60-70% से ज्यादा पसमंदे रहते हैं यहाँ पर। पहले उसके बारे में बात करो साहब, जो है वो देते नहीं तुम, जो नहीं दे सकते माधवी जी, उसके बड़े बड़े मुद्दे माधवी का। जी, माधवी जी, माधवी जी, आपके साथ बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन वक्त का तकाजा है। बहुत अच्छा लगा मैं बात करके, लेकिन मेरी अंतिम अंतिम बात आपसे कि भारतीय जनता पार्टी जब लिस्ट बनाती होगी कि स्टार प्रचारकों की बन गई लिस्ट उनकी, और वो ये लिस्ट बने उनका शेड्यूल भी बनाती होगी कि ये स्टेट में ये सीट के ऊपर ये स्टार प्रचारक को इनको भेजना है। मुझे लगता हैदराबाद की सीट पे कोई स्टार प्रचारक अभी तक आया नहीं होगा, क्योंकि खुद माधवी लता जी खुद खुद स्टार है, बिल्कुल खुद अपनी लड़ाई इतनी जोरों शोरों से लड़ती है। तो क्या क्या स्टार प्रचारक कभी आने वाले हैं, या आपने बोल दिया कि नहीं मैं अकेली काफी हूं? नहीं भैया, नहीं भैया, आप मुझे इतना बड़ा मन बनाइए, मैं बहुत ही छोटी हूँ। बस मैं अपना अभी अभी राजनीति में मैंने अपना करियर शुरू किया है, हमको स्टार प्रचारक की जरूरत है। हम सारे देश के बड़े बड़े मंत्री जो भी है भाजपा से इधर आने के इंतजार में है। परसों अनुराग ठाकुर भाई आके गए हैं, एकदम बढ़िया यंग एंड डायनेमिक मिनिस्टर, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करना। और आगे आगे आने वाले दिन में भी हमारे बहुत सारे मंत्री इधर आने वाले हैं, और अमित शाह भाई भी शायद हमारे यहाँ आने वाले हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं हमारे पास ऐसे हमारे शुभ चिंतक भाजपा के आए, हमारा मदद करे, हमारा साथ चले, हमारा ही नहीं हमारा लोकसभा पार्लियामेंट हैदराबाद के भी उम्मीद बढ़ाए, हौसला दे, हम यही चाहते माधवी जी, माधवी जी, अंतिम अंतिम सवाल, अंतिम सवाल, 13 मई हैं। को जब चुनाव खत्म होगा, क्या उसके बाद माधवी लता जी का ये प्रोग्राम है कि बाहर अलग अलग स्टेट में जाके, अलग अलग लोकसभा की सीट पे जाके क्या माधवी जी चुनाव प्रचार करेगी? अगर ये हमारा मोदी भाई या अमित भाई, नड्डा भाई, राजनाथ सिंह भाई, ये भी कोई भी, अगर ये हमारे लिए ऐसा सौभाग्य मौका देते हैं, तो बताइए तो सही कौन नहीं जाना चाहता है। हम देश के हैं और देश हमारा है, अगर हमारे वजह से थोड़ा भी कहीं पे भी कुछ हम हमारे बातों से एक सच्चाई को बाहर लाते हुए भाजपा के तरफ लोगों को मुड़ सकते हैं, कमल को वोट दिलवा सकते हैं, एक वोट भी हमारे वजह से बड़ा, तो हम अपना सौभाग्य समझ। माधुरी जी, आपके आदर्श कौन है, आदर्श कौन है आपके लाइफ के, आइडियल कौन है? पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में तो मोदी भाई हमारा आदर्श है।
पॉलिटिक्स में मोदी भाई हमारे। ओके, थैंक यू सो मच माधवी जी हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शक मित्रों, आप तो हाई प्रोफाइल सीट हैदराबाद में ओवेस इनी सामे चूंटनी लड़ी रहेला माधवी लता जी साथे फरी मळीशु एक नवा विषय साथे। त्यां सुधी रजा आपशो, नमस्कार।